हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर आज यह मेरा तीसरा एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, पहले एपिसोड में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कैसे हुआ था, जिसमें हमने देखा था प्रस्तावना, फिर हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के महानतम आलोचक हुए हैं। यदि हम उनको केंद्र बिंदु मानकर चले तो हिंदी आलोचना के विकास क्रम को तीन भागों में बांटा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पहले की शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, फिर शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व की जो हिंदी आलोचना है उसको पुनः तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र से पहले की हिंदी आलोचना, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र युगीन हिंदी आलोचना, और इसके बाद द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना, और शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, उसके बाद शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी आलोचना पांच विभिन्न भागों में, विभिन्न धाराओं में विभाजित किए जा सकते हैं उसको। स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणात्मक आलोचना और नई समीक्षा। तो आज हम शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के अंतर्गत भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना का अध्ययन करेंगे। मैं बता चुका हूं कि आपके अलग अलग एपिसोड अलग अलग टॉपिक पर आएंगे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी आलोचना की क्या स्थिति थी और कौन से बड़े बड़े आलोचक थे, इस पर्टिकुलर टॉपिक का हम आज अध्ययन करेंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना। भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना कैसे शुरू हुआ देखते हैं। भारतेंदु युग जन जागरण का युग था। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्य, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में समस्त भारतीय जनमानस में एक क्रांति आई। तो यह अंग्रेजों का समय था, यह 1850 से 1885 के बीच इनका समय है। तो यह उसमें अंग्रेजों का शासन काल था, तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित की थी जहां पर हिंदी भी पढ़ाई जा रही थी। और जो भारतीय लोग थे वह अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी समालोचना ग्रंथों के संपर्क में आए, और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं भी उस समय निर्मित की गई थी। ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं उस समय स्थापित की गई थी। और इस समय बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे थे, तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्य, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में समस्त भारतीय जनमानस में एक नवीन क्रांति आई थी। इस युग के साहित्य में वैचारिक अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम गद्य ही हो सकता था। वास्तव में जो गद्य के माध्यम से आप अपने विचारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो गद्य ही उसका माध्यम हो सकता था वैचारिक अभिव्यक्ति का। अतः गद्य की अनेक विधाएं भारतेंदु युग में जन्म ली। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध की तरह आलोचना का भी विकास हुआ। इसलिए भारतेंदु के समय में गद्य की अनेक विधाएं, जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध लिखे जाने लगे और उसी के साथ साथ आलोचना का भी विकास हुआ। साहित्य का उपयोगितावादी दृष्टिकोण स्वीकार किया जाने लगा, मतलब साहित्य समाज के लिए उपयोगी भी होना चाहिए, यह उस समय दृष्टिकोण विकसित हो गया था। साहित्य में सुरुचि, नैतिकता और बौद्धिकता को प्रधान मिलने लगी थी। मतलब साहित्य क्या है, रुचिपूर्ण होना चाहिए, उसमें नैतिकता का समावेश होना चाहिए और बौद्धिकता होना चाहिए, अर्थात तर्क प्रधान होना चाहिए, इसको प्रधानता मिलने लगी। भारतेंदु युग में आलोचना इन्हीं तीन भारतेंदु युग की आलोचना में इन्हीं तीन तत्वों को प्रमुखता दी गई है, सुरुचि, नैतिकता और बौद्धिकता। राष्ट्र प्रेम इस काल के साहित्य की प्रधान विशेषताओं में है, अतः आलोचनाओं में भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाया गया, है ना। राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत प्रबल थी उस समय। जुलाई अगस्त सन 1898 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में एक उपन्यास की आलोचना हिंदू मुस्लिम समस्या को लेकर की गई है, जिसमें जातियों के पारस्परिक मेल का समर्थन किया गया है। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका में एक आलोचना प्रकाशित हुई थी जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया गया था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आलोचना शुरू हो गई थी उस समय। भारतेंदु युग में अधिकांश आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित होती रही, मतलब आलोचना प्राय वहां पर पत्र पत्रिका में लेख के माध्यम से प्रकाशित होते थे। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, ब्राह्मण आदि पत्रिकाओं में विविध विषयों पर लिखित लेख और टिप्पणियों से आलोचना दृष्टि का विकास हुआ। मतलब भारतेंदु के समय में जो आलोचना लिखी जा रही थी वह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख और टिप्पणी के माध्यम से लिखी जा रही थी, मतलब आविर्भाव हो चुका था। इस युग में एक और जहां पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित एवं समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायिका भेद, रस निरूपण और अलंकार विवेचन में लगे हुए थे।
तो बहुत सारे जो लेखक थे वो तो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर, समाज कल्याण को ध्यान में रखकर रचना प्रकाशित कर रहे थे। लेकिन उस समय कुछ ऐसे भी विद्वान हुए थे जो पिंगल, पिंगल मतलब पिंगल शास्त्र, छंद का शास्त्र है, छंद की किताब है पिंगल शास्त्र। नायिका भेद, नायिकाओं के जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होती है वो, रस निरूपण है ना, विभिन्न प्रकार के रस, श्रृंगार रस, इन सब का निरूपण कर रहे थे। अलंकार, विभिन्न प्रकार के अलंकारों के विवेचन में लगे हुए थे रीतिकालीन ग्रंथों के आधार पर। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस युग में तीन प्रकार की आलोचनाओं की प्रधानता रही। डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग में जो आलोचनाएं लिखी जा रही थी उनको तीन भागों में विभाजित किया है, तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा की सैद्धांतिक आलोचना। लक्षण ग्रंथ मतलब काव्य के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इनकी परंपरा में सैद्धांतिक आलोचना जो रीतिकाल के ग्रंथों पर आधारित थे। दूसरा, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना। कुछ टीकाएं या कुछ व्याख्या, कुछ आलोचना उस समय ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी और कुछ खड़ी बोली में भी लिखी जा रही थी गद्य के रूप में। और तीसरा, इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना, हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में, मतलब इतिहास का निर्धारण करने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास और कवियों के परिचय के रूप में, उनका उनका परिचय, कवियों का जीवन काल, उनकी रचनाएं, इस संबंध में आलोचना लिखी जा रही थी। तो पहला था रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ, दूसरा खड़ी बोली गद्य और ब्रजभाषा पद्य के रूप में, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य के रूप में, और तीसरा था इतिहास ग्रंथ और कवि परिचय। अब हम देखते हैं रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा के सैद्धांतिक आलोचना। पहले वर्ग के अंतर्गत पिंगल, पिंगल मतलब होता है छंद शास्त्र। तो पहले वर्ग में कौन कौन से, किस प्रकार की आलोचना लिखी गई, आज हम उनके हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में पहले वर्ग में पिंगल अर्थात छंद शास्त्र, अलंकार, रस, संपूर्ण काव्य शास्त्र पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंद प्रभाकर, छंद के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर रचित घनाक्षरी नियम रत्नाकर, इस युग के उचित, इस युग में रचित उल्लेखनीय पिंगल ग्रंथ है। ये पिंगल ग्रंथ है जो छंद शास्त्र पर आधारित है। कुछ महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथ कौन कौन से हैं, लची रामकृत रावणेश्वर कल्पतरु और बिहारी लाल रचित अलंकार आदर्श, अलंकार ग्रंथ है। इसके बाद रस ग्रंथों में कौन से हैं, रस ग्रंथों में साहब प्रसाद सिंह रचित रस रहस और प्रताप नारायण सिंह रस कुसुमाकर उल्लेखनीय है। इसमें लक्षण खड़ी बोली गद्य में दिए गए हैं। संपूर्ण काव्य शास्त्र को ध्यान में रखकर लिखा गया जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर उल्लेखनीय है। तो पूरे काव्य शास्त्र का इन्होंने इस पर वर्णन किया काव्य सुधाकर। तो इस रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा के आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए, जो आलोचना ग्रंथ लिखे गए, जो समीक्षा ग्रंथ लिखे गए, वो यहाँ पर मैंने इसको संक्षेप में दे दिया है। अब देखते हैं ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में गद्य, ब्रज भाषा गद्य की भी भाषा थी है ना, ब्रज भाषा और खड़ी बोली उस समय गद्य की भाषा थी, उसमें आलोचना जो लिखी गई। द्वितीय वर्ग की आलोचनाओं में टीकाएं हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं, बिहारी सतसई पर लल्लू लाल जी की टीका लाल चंद्रिका, परीक्षा में प्राय आता है लाल चंद्रिका, लल्लू लाल जी बिहारी सतसई पर इन्होंने लिखा है, जो ब्रज भाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य में है। भले इन्होंने ब्रज भाषा में खड़ी बोली में लिखा है लेकिन ब्रज भाषा का प्रभाव है। तथा बिहारी सतसई पर ही प्रभुदयाल पांडे ने भी 1896 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में एक अच्छी टीका लिखी है। प्रभुदयाल पांडे ने खड़ी बोली में इनकी टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है। इन टीकाओं में कहीं कहीं काव्य गुणों के संकेत मिल जाते हैं, जो काव्य के विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, काव्य के जो गुण होते हैं वो इन ग्रंथों में मिल जाते हैं। तीसरा, इतिहास के रूप में, इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना। इतिहास मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में, या फिर कवियों के परिचय के रूप में उनके जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में, ये तीसरी कैटेगरी है। तृतीय वर्ग के अंतर्गत दो इतिहास ग्रंथ इस काल में लिखे गए, शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप इसको पढ़ते हैं, शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज, और जॉर्ज ग्रियर्सन लिखित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी। तो इन ये प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य के। इन इतिहास ग्रंथों में दिए गए कवि परिचयों में आलोचना के तत्व तो नहीं के बराबर है, आलोचना के तत्व तो बिल्कुल कम है, नगण्य है। इसके अतिरिक्त प्राचीन आचार्यों और कवियों के आलोचनात्मक परिचय हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित होते थे। प्राचीन जो आचार्य हैं या प्राचीन जो कवि हैं उनके उनके ग्रंथों के बारे में, उनके ग्रंथों की आलोचना के बारे में कुछ प्रारंभिक लेख हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित होते रहे थे। दरअसल भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही आधुनिक आलोचना का रूप दिखाई देता है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में भी कोई आलोचना की कोई व्यवस्थित परंपरा नहीं रही, कोई सैद्धांतिक आलोचना उस टाइप की नहीं रही, व्यवहारिक आलोचना जो आज हम देखते हैं, बल्कि
पत्र पत्रिकाओं में भी जो लेख प्रकाशित होते थे वही आलोचना का प्रारंभिक रूप था। आनंद कादंबरी पत्रिका की संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका की सच्ची समालोचना इस शैली के प्रौढ़ उदाहरण है। आनंद कादंबरी में जो प्रकाशित हुआ था संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता तथा हिंदी प्रदीप में क्या प्रकाशित हुआ था सच्ची समालोचना। तो इस प्रकार के मैच्योर एग्जाम्पल्स हैं, प्रौढ़ उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है। भारतेंदु युग के मुख्य आलोचक कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और बालकृष्ण भट्ट, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के महानतम आलोचक हैं, महत्वपूर्ण। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के देखते हैं आलोचना ग्रंथ किस प्रकार की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अन्य गद्य विधाओं के साथ ही आलोचना की विधिवत शुरुआत का श्रेय भी दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को विभिन्न प्रकार की गद्य विधाएं हैं, नाटक वगैरह हैं, इनकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो इसी प्रकार आलोचना की शुरुआत का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र संबंधी महत्वपूर्ण कृति नाटक 1883 ईस्वी की रचना कर आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ किया गया। आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ किससे हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ग्रंथ से, जो संस्कृत नाट्य शास्त्र पर आधारित था। इस निबंध में लगभग 60 पृष्ठों में नाटक का शास्त्रीय विवेचन और इतिहास प्रस्तुत किया गया है। तो जो नाटक नाम का इन्होंने निबंध लिखा है उसमें 60 पृष्ठ हैं, इसमें उन्होंने उसका शास्त्रीय विवेचन किया है, मतलब हमारे पुराने जो शास्त्र हैं उसमें किस प्रकार का नाटक खेले जाते थे और नाटकों का इतिहास क्या रहा है हिंदुस्तान में। यह निबंध यद्यपि संस्कृत नाट्य शास्त्र को आधार बनाकर लिखा गया है, किंतु इसके सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन नाट्य शास्त्र की जानकारी दी गई है। जैसे भरत मुनि के समय से जो नाट्य शास्त्र की परंपरा चालू हुई है उन सबका इन्होंने इसमें उल्लेख किया है, तो बहुत बढ़िया इन्होंने जानकारी दी है। भले ही इन्होंने संस्कृत नाट्य शास्त्र को आधार बनाकर इस किताब को लिखा है, इस निबंध को लिखा है। साथ ही युग प्रवृत्ति का ध्यान रखकर प्राचीन जटिल शास्त्रीय नियमों से छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। लेकिन उन्होंने बताया कि प्राचीन जो शास्त्रीय जो नियम कानून जो बनाए गए थे शास्त्रों में नाटक को लेकर, उनसे आज छूट लेने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने जो प्राचीन मापदंड हैं वर्तमान समय के जो नाटक हैं उनके लिए वे उपयोगी नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, संस्कृत नाटक की भांति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान करना या किसी नाटकांग में इनको यत्नपूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर हिंदू नाटक आदि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ हो जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह कहना है कि पुराने जो नाट्य शास्त्र हैं, नाटक से संबंधित जो शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथ हैं या उनके नाटकों के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून का वर्तमान समय में यदि हम नाटक के ऊपर लागू करते हैं तो इससे क्या होगा, इसका विपरीत फल होगा, मतलब हमारा नाटक सफल नहीं रहेगा, क्योंकि पुराने जो नियम कानून है वे आज प्रासंगिक नहीं है। वर्तमान समय को देखते हुए हमको नाटकों के लिए अलग मापदंड बनाना पड़ेगा। भारतेंदु ने संस्कृत साहित्य से ब्रज साहित्य तक का गहन अध्ययन किया था। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही कम इनका जीवन काल रहा, लगभग 35 वर्ष, लेकिन इन्होंने इनका एक युग पूरा भारतेंदु युग कहा जाता है। तो बहुत विद्वान थे, बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया था इन्होंने संस्कृत साहित्य से लेकर ब्रज साहित्य तक का। इन्होंने संस्कृत और हिंदी के कवि के आचार्यों और कवियों कालिदास, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, जयदेव, पुष्प दंताचार्य, वल्लभाचार्य तथा सूरदास पर जीवन वृतांती आलोचना प्रस्तुत की, मतलब इनके जीवन का पूरा जीवन क्रम का उल्लेख किया, जीवन वृतांत का उल्लेख किया, इनकी जीवनी का उल्लेख किया, इनकी आलोचना प्रस्तुत की और जगह जगह अपनी तुलनात्मक दृष्टि का भी परिचय दिया। न केवल इन्होंने इनके जीवनी के रूप में इनके ऊपर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा, बल्कि विभिन्न कवियों और विभिन्न महान जो हमारे प्राचीन भक्ति काल के कवि हुए थे या रीति काल के जो कवि थे उनका क्या क्या, उनका तुलनात्मक दृष्टि से उनका परिचय दिया। इस प्रकार भारतेंदु ने अपने समकालीन लेखकों की आलोचना आलोचना की ओर प्रवृत्त किया। इस प्रकार न केवल उन्होंने स्वयं आलोचना ग्रंथ लिखा बल्कि अपने समकालीन जो लेखक हैं उनको भी आलोचना लिखने के लिए प्रवृत्त किया। तो अब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल लेखकों का एक ग्रुप बना था उस समय, जिसे कहा जाता था भारतेंदु मंडल, है ना। भारतेंदु मंडल में कुछ लेखकों का एक समूह बना था। तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लाला श्रीनिवास दास रचित संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह लिखित बंग विजेता उपन्यास के हिंदी अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादंबरी पत्रिका में की थी। इन दोनों की आलोचना इन्होंने किया था। इसी से व्यवहारिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात माना जाता है। मतलब व्यवहारिक हिंदी आलोचना की जनक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। सैद्धांतिक मतलब सिद्धांतों की स्थापना की जाती है आलोचना की, और व्यवहारिक मतलब उसका व्यवहारिक रूप से, जैसे मार्क्सवादी आलोचना है या फिर मनोविश्लेषणवादी आलोचना है, उसके आधार पर उसके उन्होंने आलोचना किया। तो व्यवहारिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन से माना जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यह जो परीक्षाओं में प्राय आता है। इन्होंने अपनी आलोचना में पुस्तक के गुणदोषों का तटस्थ और साहित्यिक विश्लेषण किया है। तो अपने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के गुणदोष का बहुत ही तटस्थ भाव से और साहित्यिक रूप से विश्लेषण किया है। बहुत महान व्यक्ति थे। और बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जी ने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने संस्कृत के अनेक कवियों एवं आचार्यों भवभूति, कालिदास, श्रीहर्ष, क्षेमेंद्र, वराहमिहिर, आनंदवर्धन, भट्ट नारायण, राजशेखर, बाणभट्ट, विल्हण, वाल्मीकि, व्यास, गोवर्धनाचार्य और जयदेव के जीवन वृत्तांत, जीवन वृत्तांत मतलब बायोग्राफी है ना, जीवनी प्रस्तुत करते हुए आलोचना लिखी और स्थान स्थान पर उनकी साहित्यगत प्रवृत्तियों में साम्य वैषम्य दर्शाकर अपनी तुलनात्मक दृष्टि का परिचय दिया। उनकी आलोचना का माध्यम हिंदी प्रदीप पत्रिका थी, जिसका संपादन वे स्वयं करते थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे पंडित बालकृष्ण भट्ट, और इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। और साथ ही साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी उनमें क्या समानता थी और क्या असमानता थी, और विभिन्न प्रकार के जो कवि थे उनकी तुलना की और तुलनात्मक दृष्टि का परिचय दिया। तो वे प्राय कहां है, किसमें लिखते थे, हिंदी प्रदीप में। भट्ट जी ने सैद्धांतिक विवेचना का प्रयोग व्यवहारिक आलोचना में किया, मतलब सैद्धांतिक जो मापदंड बनाए थे उसका उन्होंने व्यवहारिक रूप से उपयोग किया अपनी आलोचना में। वे रचना की समीक्षा के मानदंड का उल्लेख सिद्धांतों के रूप में पहले कर देते हैं, फिर उसी आधार पर कृति का मूल्यांकन करते हैं। भट्ट जी की सच्ची समालोचना इसका सुंदर उदाहरण है। तो इनकी एक कृति है सच्ची समालोचना। तो वास्तव में जब ये आलोचना शुरू करते हैं किसी भी कृति की, तो पहले ये बता देते हैं कि भाई इन सिद्धांतों के आधार पर इस कृति की आलोचना की जा रही है। तो पहले पाठकों को सिद्धांत पता चलाता है, फिर वो व्यवहारिक रूप से उसकी आलोचना करते हैं। तो सच्ची समालोचना इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इन्होंने नील देवी, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी, परीक्षा गुरु, संहिता, संयोगिता, स्वयंवर तथा एकांतवासी आदि कृतियों पर जो व्यवहारिक आलोचना लिखी है वे उल्लेखनीय है। भट्ट जी के कवि परिचय में तो तटस्थ गंभीर और विश्लेषणात्मक है, लेकिन पुस्तकों की रचना में कहीं कहीं मीठी चुटकियां भी ले लेते हैं। उनकी शैली व्यंग प्रधान है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है, जब कवियों के बारे में उल्लेख करते हैं, उनके जीवन के बारे में थोड़ा गंभीरता का परिचय देते हैं, लेकिन जब वो उनकी कृतियों का जब वो आलोचना करते हैं तो कहीं कहीं पे व्यंग्यात्मक हो जाते हैं और वो बहुत ही हास्य विनोद भी पैदा कर देते हैं, उनको पढ़कर हमको हंसी भी आती है। तो इनकी शैली व्यंग प्रधान है। इस प्रकार भारतेंदु युग के समीक्षकों का ध्यान काव्य के अत्यंत बाह्य और स्थिर रूप पर ही था, सिर्फ बाहरी रूप पर ही था उनका ध्यान, अंदर वो नहीं घुसते थे उसके। काव्य के भीतर भाव जगत में प्रविष्ट होकर उन्होंने विश्लेषण नहीं किया, मतलब भावना का उसमें कौन सी भावना, कौन से फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बाहरी रूप से देखा, गुणदोष का विवेचन किया। लेकिन इतना जरूर है कि नई समीक्षा के भावी विकास का पूर्वाभास भारतेंदु काल में मिलने लगा था। आगे द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना को नया और विस्तृत रूप मिला। तो इस प्रकार वास्तव में आलोचना का कोई वहां पर बहुत ही व्यवस्थित रूप स्वरूप दिखाई नहीं देता, व्यवस्थित रूप दिखाई नहीं देता, लेकिन इन्होंने उसकी पृष्ठभूमि अवश्य तैयार कर दी थी, उसके लिए नींव जरूर बना दी थी, आधारभूमि पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, और इसी के आधार पर द्विवेदी युग में आलोचना को एक नया और विस्तृत स्वरूप प्राप्त हुआ। तो यदि आपको मेरा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आगे हम देखेंगे द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का क्या स्वरूप था, और वह मेरा होगा चौथा वीडियो। धन्यवाद।